हेलो एवरीवन, दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्पॉटलाइट में। तो दोस्तों आईपीएल को लेकर कई बड़ी बड़ी खबरें निकल के आ रही है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आईपीएल के सभी बड़ी खबरें जो कि आज निकल के आ रही है। तो दोस्तों इसी पर आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी खबर लाते रहते हो। वहीं दोस्तों अगर आप आईपीएल से जुड़ी और भी खबर देखना चाहते हैं तो यह वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें उन सभी बड़ी खबरों के जो कि आईपीएल से निकल के आ रहा है। तो दोस्तों पहला खबर निकल के आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स से। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स का आज का मुकाबला जो कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ है। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स अब प्लेऑफ में पहुंच गई है, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए बेहद ही खुशी की खबर है। तो दोस्तों बता दें कि पंजाब किंग्स के जीतने की वजह से दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में पहुंची है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल्स का प्लेऑफ में कैसा रहेगा प्रदर्शन, हमें जरूर बताइए। वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो वह जुड़ा हुआ है राजस्थान रॉयल्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के लिए भी गुड न्यूज निकल कर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ में जाने का भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया इस वजह से। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंच पाएगी या नहीं, हमें जरूर बताइए। वहीं दोस्तों बात करें तीसरी बड़ी खबर का, तो दोस्तों अभी निकल कर आ रहा है राजस्थान रॉयल्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के दो बेहतरीन खिलाड़ी इबिन लुइस और संजू सैमसन जो कि बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इन दोनों खिलाड़ियों का कैसा रहेगा प्रदर्शन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, हमें जरूर बताइए। वहीं दोस्तों चौथी बड़ी खबर का बात करें तो अभी राजस्थान रॉयल्स निकल के आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ दो बड़े बदलाव कर सकते हैं। खबरों को मानें तो दोस्तों इबिन लुइस और रियान पराग को बाहर कर सकती है प्लेइंग 11 से राजस्थान रॉयल्स को। तो दोस्तों आपको क्या लगता है किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, हमें जरूर बताइए। वहीं दोस्तों बात करें पांचवी बड़ी खबर की, तो दोस्तों वह निकल के आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के बेहतरीन और महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बेहतरीन फॉर्म में आ चुके हैं, जो कि चेन्नई सुपर किंग के लिए बेहद ही खुशी खबर है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी के कैसा रहेगा प्रदर्शन आगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दोस्तों ये खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।